क्या लाइफ सिर्फ अर्थ में ही एग्जिस्ट करती है या एलियंस भी होते हैं? क्या कभी एलियंस ने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश की है? साल 2021 में यूएसए के डिफेंस एजेंसी पेंटागन ने ये वीडियो रिलीज किया। वीडियो में एक ब्लैक ऑब्जेक्ट को बहुत हाई स्पीड से ट्रैवल करते हुए देखा जा सकता है। पेंटागन द्वारा इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को एक यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बुलाया गया। ऐसे ही कई सारे यूएफओस देखे जा चुके हैं पास्ट में। मूवीज में भी ऐसे यूएफओ साइटिंग्स और एलियन लाइफ के पॉसिबिलिटी को दिखाया गया है। इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया गया था कोई मिल गया मूवी में। अल्लाह, ये तो बोलता भी है। हो ना हो, जब आप भी रात को आसमान के तरफ उन काउंटलेस स्टार को देखते होंगे तो एलियन लाइफ के बारे में जरूर सोचते होंगे। आर वी अलोन इन द यूनिवर्स? और क्या एलियंस और यूएफओ जैसी चीजें सच में एग्जिस्ट करती हैं? आइए इस वीडियो में हम इन क्वेश्चन के आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अगर हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करें तो इसमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है और हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और लगभग हर स्टार के पास एक प्लैनेटरी सिस्टम है। तो क्या इन बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स में इंटेलिजेंट लाइफ सिर्फ अर्थ पर ही है? अर्थ पर लाइफ की बात करें तो 1970s के टाइम पर दुनिया के सामने एक नया कॉन्सेप्ट आया, गोल्डीलॉक्स जोन का। ये एक स्टार के पास का वो एरिया होता है जहां वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है और लाइफ पॉसिबल हो सकता है। इसे हैबिटेबल जोन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमारा अर्थ एक गोल्डीलॉक्स जोन में है। अगर ये सन से थोड़ा और पास वाले जोन में होता तो हीट के वजह से यहाँ भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाता, और जरा सा दूर होता तो कोल्ड की वजह से लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन किसी प्लैनेट पर लाइफ होना सिर्फ उसके हैबिटेबल जोन में होने से गारंटीड नहीं होता है। ये उस स्टार पर भी डिपेंड करता है जिसका वो प्लैनेट चक्कर काट रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रेड ड्वार्फ स्टार जो की साइज में सन से कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और बहुत भारी मात्रा में सोलर फ्लेयर एमिट करते हैं। इस वजह से उनके पास जो प्लैनेट हैबिटेबल जोन में होते हैं उनका एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो जाता है और लाइफ वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाता। अब जब हम एलियन लाइफ की बात करते हैं तो ये बहुत तरह के हो सकते हैं। ये एनिमल्स भी हो सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी। बट जब बात इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशंस की होती है तो इसे कार्डाशेव स्केल के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। टाइप 1 सिविलाइजेशन, ये वो सिविलाइजेशन होती है जिन्होंने अपने पूरे प्लैनेट के एनर्जी रिसोर्सेज को एक्सेस कर लिया हो, यहाँ तक कि वो नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। टाइप 2 सिविलाइजेशंस, ये सिविलाइजेशंस डायरेक्टली एक स्टार के एनर्जी को यूज कर सकते हैं। टाइप 3 सिविलाइजेशन, ये अपने गैलेक्सी में प्रेजेंट सभी एनर्जी सोर्सेस जैसे कि स्टार्स और ब्लैक होल के सारे एनर्जी को यूज कर सकते हैं। गेस कीजिए कि अर्थ इस स्केल में कहाँ फिट होता है? हम अभी टाइप 1 सिविलाइजेशन के लेवल पर भी नहीं पहुँच पाए हैं, हम अभी 0.7 लेवल पर ही हैं। 1961 में फ्रैंक ड्रेक ने ड्रेक इक्वेशन दिया जो कि एक मैथमेटिकल मॉडल है ये बताने के लिए कि किसी गैलेक्सी में कितने इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हो सकते। इसके अकॉर्डिंग 10 मिलियन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म के होने की पॉसिबिलिटी है इस यूनिवर्स में। लेकिन अगर इतने सारे इंटेलिजेंट एलियन लाइफ पॉसिबल है तो किसी एलियन ने अभी तक हमें कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया? वेयर इज एवरीवन? यही क्वेश्चन किया एनरिको फर्मी ने। हमारा सोलर सिस्टम 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है और अगर इस यूनिवर्स की बात करें तो ये 13.8 बिलियन साल पुराना है। इसका मतलब अगर कोई इंटेलिजेंट एलियन स्पीशीज रही होंगी तो इतने टाइम में उन्होंने एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक जाने का टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया होता। लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं? इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग एलियन लाइफ फॉर्म्स ऐसे एनवायरनमेंट में डेवलप होती हैं जहां उन्हें ये पता नहीं होता कि बाहर भी कोई दुनिया है एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे कि ओशंस के नीचे बसे हुए एलियन सिविलाइजेशंस। ऐसे में उन्हें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी स्पेसक्राफ्ट बनाने की। एक दूसरी थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि हो सकता है इंटेलिजेंट एलियन किसी से कॉन्टेक्ट ही नहीं करना चाहते हो। इवन स्टीफन हॉकिंग का भी यही कहना था कि ह्यूमंस को भी यूनिवर्स में अपने प्रेजेंस को एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि और इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म हमें स्लेव बना ले या हमें डिस्ट्रॉय कर दे। कुछ लोगों की माने तो एलियंस हमारे बीच ही कई सालों से एग्जिस्ट करते हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि एंशियंट आर्किटेक्चर जैसे कि इजिप्ट के पिरामिड्स और स्टोनहेंज को एलियंस ने ही बनाया था क्योंकि उस टाइम पर ह्यूमंस के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं रही होगी। हर कुछ दिनों पर किसी यूएफओ साइटिंग का वीडियो वायरल होता है। रिसेंटली मेक्सिकन कांग्रेस ने एक नॉन ह्यूमन एलियन के मम्मी को डिस्प्ले किया था। बाद में ये पता चला कि वो फेक था क्योंकि इस मम्मी को एनिमल्स और ह्यूमंस के बोन्स को मिक्स करके बनाया गया था। ऐसे ही ये सब बातें सिर्फ एक अजम्पशन है, कोई वैलिड प्रूफ नहीं है इन बातों का। साल 1959 के लास्ट में सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ जिसमें रेडियो टेलीस्कोप्स की मदद से
अर्थ तक आ रहे सारे रेडियो सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया जाता था ताकि किसी एलियन लाइफ का पता लगाया जा सके इन सिग्नल्स की मदद से। 15 अगस्त 1977 को ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने एक बहुत ही इंटेंस रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किया जो कि लगभग 12 मिनट तक रिसीव होता रहा। इस सिग्नल को नोटिस किया एस्ट्रोनॉमर जेरी अहमान ने। वो बहुत ही सरप्राइज थे इस रेडियो सिग्नल को सुनकर। उन्होंने इस डेटा के प्रिंट आउट पर वाओ लिखा। उसके बाद ये सिग्नल वाओ सिग्नल के नाम से पॉपुलर हो गया। लेकिन इस सिग्नल को किसी एलियन द्वारा नहीं भेजा गया था। मई 2022 के एक स्टडी ने बताया कि इस सिग्नल का कारण एक और स्टार था जो कि अर्थ से 1800 लाइट ईयर्स दूर है। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है उसे लाइट ईयर कहते हैं। 1800 लाइट ईयर्स यानी उस स्टार से आ रहे लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 1800 ईयर्स लगेंगे। तो क्या कारण है कि हमने आज तक एक भी ऐसा एलियन सिग्नल नहीं रिसीव किया? इसका एक लॉजिकल रीजन है स्पेस का बहुत बड़ा होना। अगर हम उस गैलेक्सी की बात करें जो कि मिल्की वे के सबसे पास में है तो वो 42,000 लाइट ईयर्स दूर है। खुद मिल्की वे गैलेक्सी का एक एंड से दूसरे एंड तक का डिस्टेंस 10,000 से 20,000 लाइट ईयर्स जितना है। यानी कि अगर लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल किया जाए तो हमारे सबसे पास की गैलेक्सी में ही पहुंचने में हमें लगभग 50,000 साल लग जाएंगे। इसका मतलब अगर पास की गैलेक्सी से किसी एलियन स्पीशीज ने कोई रेडियो मैसेज ट्रांसमिट भी किया होगा तो उसे अर्थ तक आने में हजारों साल लग जाएंगे। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि सेटी को एस्टैब्लिश हुए अभी लगभग 60 साल ही हुए हैं, तो ये सिग्नल्स हमें कैसे रिसीव हो सकते हैं? एक दूसरा रीजन है जिसे डिस्कस करना जरूरी है, वो ये है कि ह्यूमन लाइफ सिर्फ पिछले कुछ हजार सालों से ही अर्थ पर है, लेकिन हमारा यूनिवर्स कई बिलियन साल पुराना है। हो सकता है कि पास्ट में यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स रही हों जो कि अब एक्सटिंक्ट हो गई हों। खुद अर्थ पर भी लाइफ कई बार डिस्ट्रॉय हो चुकी है। डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन भी इसी का एक पार्ट था। तो क्या हम कभी एलियंस को डिस्कवर नहीं कर पाएंगे? मे बी हम डिस्कवर कर सकते हैं, लेकिन हमें सही जगह पर ढूंढना होगा। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग हमारे सोलर सिस्टम में ही कई सारे लाइफ फॉर्म्स मिल सकते हैं, दूसरे प्लैनेट्स पर या उनके मून्स पर, उनके सब सरफेस ओशंस में। ये सारे डिस्कशन के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हमें इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म का कोई प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम अकेले हैं इस यूनिवर्स में। कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में लाइफ जरूर एग्जिस्ट करती होगी। और इंडियन मिशन जैसे कि चंद्रयान और गगनयान, ये भी एलियन लाइफ के सर्च की ओर हमारा एक कदम है। इनके बारे में भी वीडियोस आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हमने बताया कि एलियन लाइफ पास्ट में डिस्ट्रॉय हो चुकी होंगी। ऐसा ही डिस्ट्रक्शन का वेपन ह्यूमंस ने भी बना लिया है, न्यूक्लियर वेपन्स। इसके यूज से ह्यूमन सिविलाइजेशन पूरा एंड हो सकता है। अगर आप इंडिया के न्यूक्लियर वेपन पावर बनने की कहानी जानना चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। टॉपिक समझ आया तो हमें सपोर्ट करें और अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में टाइप करें। Thanks for watching. See you in the next one.